तो धार में जिस निर्माणाधीन डैम में रिसाव हुआ है उसे एएनएस कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बना रही है। कंपनी की प्रतिक्रिया के लिए हम दिल्ली में उनके मुख्यालय पहुंचे तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने बताया कि रिसाव की वजह का पता जांच के बाद ही लगेगा, लेकिन फिलहाल कंपनी का ध्यान स्थिति को कंट्रोल करने पर है। मध्य प्रदेश के धार में जिस निर्माणाधीन डैम में रिसाव हुआ है वह डैम एएनएस कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी बना रही है। इस कंपनी की प्रतिक्रिया के लिए हम दिल्ली में इसके मुख्यालय पहुंचे तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने हमें बताया कि रिसाव की वजह का पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा, फिलहाल कंपनी का पूरा ध्यान स्थिति को नियंत्रण में करने की है। उन्होंने दावा किया कि डैम का निर्माण नियमों के मुताबिक ही हो रहा है और जहां तक देरी का सवाल है तो इसकी वजह उन्होंने कोरोना काल में लगी पाबंदियों को बताया। हालांकि महेंद्र शर्मा ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। कैमरा पर्सन वरुण के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।